देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोजाबाद अपने कांच उद्योग के लिए पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ये फिरोजाबाद का सबसे पुराना औद्योगिक आस्थान है, जिसमें लगभग 50 से ऊपर अधिक कांच की छोटी और बड़ी इकाइयाँ और इस इकाइयों के साथ सहायक इकाइयाँ संचालित होती हैं। हजारों की संख्या में यहाँ श्रमिक भी रोजगार पाते हैं, और पीछे इस औद्योगिक आस्थान का बहुत ही बुरा हाल था। सड़कें टूटी हुई हैं, नाले टूटे हुए हैं, पुलियाँ टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से उद्योग क्षेत्र में संचालित होने वाली प्रत्येक गतिविधि बहुत बाधित होती थी। मैंने पिछले लगभग 4-5 वर्षों से, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है लेकिन बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं आज अपने मुखिया माननीय योगी जी को और लघु उद्योग मंत्री जी माननीय सत्यदेव पचौरी जी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पहले ही बजट में इस औद्योगिक आस्थान के लिए प्रथम चरण में 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी, जिस पर यहाँ लगभग 350-400 मीटर CC की सड़क बनेगी, इंटरलॉकिंग की टाइल लगेंगी, कुछ नालों का पुलियों का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 7 करोड़ रुपये की धनराशि का और प्रोजेक्ट यहाँ के उद्योग विभाग ने, GMDIC साहब ने मुझे भी बताया है, बनाकर दिया है, वो भी मैं इसी बजट सत्र में अपने माननीय मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके धन की स्वीकृति कराने का प्रयास करूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं की उपस्थिति में यहाँ के उद्योग जगत से जुड़े हुए और श्रमिक भाई जो इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको विनम्रता पूर्वक इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जनता का पैसा है, ये सरकार का पैसा है, ये आप ही का पैसा है, और आपके लिए यहाँ पर काम भले ही देरी से हो रहा हो लेकिन बहुत उचित तरीके से काम होगा, काम की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी जाएगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, और जो ठेकेदार यहाँ काम करेंगे वो स्थानीय उद्योगपति, स्थानीय यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबकी सलाह से व्यवहारिकता को अपनाते हुए और 100% क्वालिटी एश्योर करते हुए काम करेंगे। आप सबके चैनल के माध्यम से एक बार फिर इस औद्योगिक क्षेत्र के समस्त कार्यविधि संचालित करने वाले सम्मानित नागरिकों को और अपने